अंदर आ जाए। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए, ऐसे बात करते चलते हैं गांव गांव घूम के। तो आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार बता भाई तारो। मुद्दा बराबर है, टक्कर एकदम है, एकदम बराबर टक्कर है ना। हाँ, बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। जबरदस्त। तो टक्कर में कौन लगता है निकल जाएगा? कौन तो किस्मत है वो निकल जाएगा है, किस्मत है उसकी। मतलब कोई भी जीत सकती है, बीजेपी भी कांग्रेस भी। हाँ। राजेंद्र राठौर भी बुडानिया भी, दोनों में एक है। एक दोनों में कौन जिसका चांस ज्यादा किसका लग रहा है? मुचावास में है, मुचावास में। मुचावास नहीं, मुचावास में बोल, तारानगर बोलो, तारानगर में टक्कर बता रहे हैं। हाँ, और यहाँ आपके गाँव में बराबर है? नहीं नहीं, आप लोग मत बोलो, इनको बोलने दो। हाँ, बराबर। आपके गाँव में बुडानिया गए, कोनी सा राठौर आ गए। राठौर आ गए? हाँ। आपके गांव में राठौर आ गए? हाँ, 1500 वोट आ गए राठौर, 1500 वोट से आ गए। हाँ। आपको क्या लगता है यहाँ कौन आ गए? लमसम बराबर सोई मानो थे। कौन? दोनों कैंडिडेट है बराबर है। हाँ। तो यहाँ कौन आ गया भाई, कहाँ गए आपके हिसाब से कौन आ गया है? टक्कर ही है, बराबर है, बराबर टक्कर। बुडानी है देखो की जीत धारा भाई में तो। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता है राजस्थान में, बहुत जगह बीजेपी, एक सेकंड रुके, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है बहुत जगह। मैंने देखा जयपुर वगैरह के इलाके में, वहाँ मोदी वर्सेस गहलोत करने लगते हैं, मोदी के नाम पर लोग बात करते हैं। सीकर में भी, शहर में मोदी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात भी करने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी दिखी मुझे तारानगर, जहाँ कैंडिडेट बहुत आम है, जहाँ बहुत जिक्र हो रहा है नरेंद्र बुडानिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और राजेंद्र राठौर जाहिर है बीजेपी के दिग्गज हैं, मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, तो यहाँ कैंडिडेट बहुत अहम हो गया। ऐसी कुछ सीटें अगर राजस्थान की, उसमें एक सीट ये, जिससे भी बात करोगे बुडानिया राठौर, बुडानिया राठौर, बुडानिया राठौर, कांग्रेस बीजेपी से भी ज़्यादा ये कैंडिडेट का नाम लेते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद जाहिर है मुख्यमंत्री और उसकी दावेदारी की बात भी होती है। तो आपके हिसाब से यहाँ किसका ज़्यादा चल रहा है? बुडानिया का। आपके बुडानिया, आपके हिसाब से बुडानिया? बुडानिया, बुडानिया। तारानगर तहसील का एक ऐसा चुनाव है। हाँ। जो आने वाले विधानसभा में याद रखा जाएगा कि तारानगर में सबसे हॉट सीट मानी जाएगी बुडानिया और राठौर के बीच में। और अब की बार ऐसी 11,000 की लाइन काटेंगे हम, जो कभी दोबारा मुड़ के तारानगर की तरफ नहीं देखेगा। चुरू से भाग के यहाँ आया है ना, तो हम यहाँ पग ही नहीं लगने देंगे राठौर साहब की। अरे राठौर के भी तो बहुत समर्थक है, इतने बड़े नेता है भाई। वो चले गए। हाँ। वो टाइम भी चला गया। हाँ। जो समर्थन थे कभी जयंद्रान जी पूनिया को लाके, समर्थन ज्यादा है नहीं, जयंद्रान जी पूनिया है ना, उनको लाके खड़ा कर दिया था। जाट बोले क्षेत्र है, 35,000 वोट उसके डलवा लेते थे। कभी किसी को किसी, कभी गोदारा गाल कटवा के देते थे। ये कुंडी गोटा है ना, ये कुंडी गोटा है ना, उनको तो खरीद रखा है, बोल रहा है कि मैंने खरीद लिया। बैजी को तो खरीद रखा है उसने, जो बुडानिया साहब के वोट है ना। हाँ, हाँ। वो ओरिजिनल वोट है, उसको ना तो कोई काट सकता है ना कटेगा, उसको विकास के नाम से वोट मिलेंगे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री का दावेदार है, जीत गए तो यहाँ से मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो उसी का कहीं पे नाम भी नहीं है ना, उसको पीछे भी शिक्षा मंत्री था, वो उठा दिया था। मुख्यमंत्री कहाँ की बात कर रहे हो? अरे सरकार अगर बीजेपी की बनेगी तो कह रहे हैं जो 6-7 लोग हैं, 70 सीट के अंदर रह जाएगी बीजेपी। अरे आप यहाँ को सेफोलॉजिस्ट हो, हर सीट का आपको क्या पता? यार सोशल मीडिया है, आज कोई ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से रहे, सोशल मीडिया के ऊपर जो बात होती है ना वो ओरिजिनल होती है। तो यहाँ खाली बुडानिया की वजह से बुडानिया बुडानिया हो रहा है, बुडानिया और राठौर। एक मिनट, यह सरकार भी मुद्दा है, मतलब गहलोत भी मुद्दा है। देखो गहलोत जैसा मुख्यमंत्री है ना, ना तो ऑल वर्ल्ड में है और ना आया है। बोलता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री सिर्फ अशोक गहलोत बनेगा। और कहीं पे कोई भी ऐसा बोलेगा कि मुख्यमंत्री पायलट बन जाएगा, मैंने इसे सपने भी सोचना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। राज चौखा है, गहलोत का राज चौखा है। क्या गहलोत का राज चौखा है? बढ़िया बढ़िया स्कीम है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, या कोई बच्चा बीमार हो जाता है। हाँ। तो किसी के जैसे हाथा जोड़ी करके पैसे लेने पड़ते हैं, आजकल एक कार्ड ले जाना है वो ठहरा रखना है, वो दिखा देता है। अशोक गहलोत ने जो काम किया है वो यादगार काम है साहब। क्या बढ़िया, एक तो चिरंजीवी योजना। हाँ। एक वृद्ध पेंशन योजना। थोड़ा इधर आ जाओ, धूप आ रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। हाँ। लाइट फ्री। हाँ।
पानी भरी, खाने का अन्न भी फ्री, तो सब फ्री 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 है, इसलिए है वोट है? नहीं 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 साहब, इसकी के माल के लिए इसकी योजना बहुत यादगार योजना है साहब, फ्री के माल के लिए है, पानी फ्री, लाइट फ्री, बिजली फ्री, पेंशन फ्री, गैस 500 में, 8 रुपए में इंदिरा रसोई मिल रही है। हाँ। गरीब आदमी के लिए बहुत, इससे अच्छा मुख्यमंत्री साहब आज तक तो आया नहीं, हमको तो गहलोत चाहिए। अरे एक से एक मुख्यमंत्री हुए हैं राजस्थान में भी, पहले भी, अभी वसुंधरा भी तो लोग कहते हैं उनके समर्थक बहुत अच्छा। वसुंधरा जी को और गहलोत जी का तो कोई मेल भी नहीं है साहब, सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन है। वसुंधरा जी तो शाम को है ना 8 PM नो CM वो सिस्टम है, वसुंधरा जी का तो यही सिस्टम है, शाम को एक 8 PM की बोतल खोल ली। और ऐसे नहीं, महिलाओं के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की अपमानजनक बात मत करिए। हाँ, खैर चलिए, बहरहाल गहलोत का और वसुंधरा का कोई मेल नहीं है साहब। गहलोत ने जो योजना की उससे गरीब बहुत ही खुश है, गरीब वर्ग के लिए गहलोत जैसा मुख्यमंत्री आज तक तो आया नहीं है। ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे पीछे विधानसभा का चुनाव लड़ा था तारानगर से, तब उनने एक ही हमारे पिंपल था गांव के बीच में, उसके नीचे खड़े होकर ऊपर ने हाथ किया था कि आपको मैं पीने का पानी ले आगे दूंगा, वो पिंपल ही सूख गया साहब, मुर्गे में इसका मुंह नहीं देखा। आज तो आज आज फिर आ गया, मारे तो ले लागियो है कि नहर को रुक बजू डेढ़ो अरबो कटन और कटाणी दोनों अब आए हम है बुढ़ो आज बुढ़ानी। ये बताओ पीपल वाली कहानी आप लोग बना रहे हो, पीछे भी दो तीन लोगों ने बोला तो कहानी बना दी आपने। कहानी नहीं है साहब, हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हकीकत बात है। कहाँ पीपल है ऐसा? नहीं, गांव के बीच में है, गांव के बीच में मीटिंग की थी और पिंपल की सौगंध खाई थी उसने और वो पिंपल ही सूख गया, वो ये नहीं आया दोबारा। सौगंध खा के क्या बोला था? एक मिनट इधर आ जाओ जरा, हाँ उठ के बात। सौगंध खा के ये बोला कि मैं इस गांव के पिंपल की सौगंध खाता हूँ कि घर घर टूंटी लगाऊंगा और सबको पीने का पानी है व्यवस्था करूंगा। वो जीत कर गए चुनाव, बाद में आए ही नहीं। 2008 में जब राजेंद्र राठौड़ जीते, हाँ 2008 में। तो ये पीपल सूखने की कहानी को फैला दो आप लोग। नहीं तो सूख गए ना, पीपल को हम देवता मानते हैं, पीपल की झूठी सौगंध नहीं खाएंगे, पीपल को हम देवता मानते हैं और देवता की जो झूठी सौगंध खाएगा वो सूखेगा। पीपल तो कहीं सूख गया है, क्या सूख गया, पूरा सूख गया। हाँ पीपल तो वो पुराना हो साहब, लोग गांव को कचरों गंदगी घेर लग गया, सूख गयो। देखो ताऊ बोल रहे पीपल उस वजह सीख गया, आप लोग सब राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार कर रहे हो पीपल से। नहीं साहब राठौड़ साहब, नहीं हकीकत बात है, पीपल सूख गया, सूख गया वो किसके, गंदगी ने सूख गया ना, ये सब गलत बोल रहे ना ताऊ, ये सब गंदगी में और तो नहीं सूख गया, गंदगी में और पेड़ तो नहीं सूख गया, अन्याय किया, धोखा किया, हमारी नहर का रकबा काटा, एक तरफ तो कटाने वाला है एक तरफ जुड़ाने वाला है, हम जुड़ाने वाले का पक्ष करते हैं। बीजेपी को नाम लिया जो शरीर का व्रत लगे, राठौड़ के नाम की एलर्जी होगी जो कह दिन सू क्या मारा रकबो काटे हो ही सू बड़ो मारे बुरो के कर सके। ये तो बात नहीं है ना कि खाली चूंकि नरेंद्र बुरानिया जाट हैं आप लोग भी जाट हो, इसलिए जाति का हमारे कोई मकसद नहीं है। 36 कौम वोट दे रही है बुरानिया को, 36 कौम ठाकुर को दे रही है, हमारी जाति का कोई नारा नहीं है ना। शुरू से यदि जीत दिखती तो तारानगर भाग के नहीं आते, तारानगर भागने का तो मतलब ही नहीं है ना, वहां से है ना उसको क्लियर देखा था, सर्वे करवाई थी तारानगर में, सर्वे करवा दी सरदारसर में, और तो अपनी तहसील में घुसने नहीं देते हैं। और तारानगर एक सुनी तहसील थी जो किसी को किसी ने मोहरा बना लेता है, मोहरा बना लेता है, पिछली बार राकेश जांगिड़ को मोहरा बना दिया, उससे पहले जनरान को बना दिया, अब भी उससे पहले आपने शुरू से लाल सारण को बना दिया था, और अब की बार वहां से लाल सारण चुनाव हार जाएगा, वहां वापस चला जाएगा। वो लोकल बहुत नाम हो हम लोग अभी जानते भी नहीं है, लेकिन ये बताओ कि ये इस इलाके में जो बुचावास का ये जो आपका इलाका है इसमें जाट कितने हैं, जाट वोटर 1400 वोट है, 1400 में मान लो ऐसा होगा कि 600-700 उधर 600-700 इधर, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ वो घृणा सुने साहब, मतलब यहाँ कोई भोड़ो सियाणो कोई पर्चली गेर जाने बंग तो कह कौन सा
क्योंकि किंग साइकोलॉजी ओडियो है और ओडियो है भाई वोट गेट्स के और सीधा वोट कौन करे। आप बुजुर्ग आदमी थोड़े बार बार बैठ रहे हो, ताऊ बैठे आप क्यों बैठ रहे हो? तो ये बताओ जाट में भी तो बहुत होगा जो राठौर को वोट देगा? नहीं वोट दे रहे, वोट दे रहे, वोट दे रहे। 50-50 है क्या? नहीं 50-50 नहीं, 50-50 60-40 70-30 दो चार से मान लो 10-90 10-90 तो आप बहुत कम कर, थोड़ा बढ़ाओ 10-90 थोड़ा बढ़ाओ, नहीं बढ़ेंगे नहीं सर। चलो बहरहाल देखिए मैं फिर कहूँगा कि जब मैं ऐसे बात करता हूँ कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि आप ये जाति की बात बहुत करते हैं, इसका इसकी बात बहुत करते हैं, जाट की बात करते हैं, ब्राह्मण की करते हैं, एससी की करते हैं, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत है कि नहीं? देखो टिकट देना, कैंडिडेट, फिर वोट, ये तो राजपूत है। अब जैसे जो मिल रहे हैं राजपूत तो 100% राठौर के साथ जाएगा, तो भाई जात की वजह से बोल रहे हैं? नहीं ऐसे सिस्टम नहीं है, कोई कोई किसी बिरादरी के पास में नहीं जाता है, जो विकास होता है ना उन्हीं के हिसाब से काम होता है। कहने में बात अच्छी है लेकिन आप भी जानते हो। नहीं, पिछले बार राजेंद्र राठौर को पूरा वोट दिया था, 20,000 वोटों से जीत कर गया था, कोई टक्कर मुकाबला ही नहीं था, वोटों से जीता था 2008 में। हाँ 2008 में तो वह जाति फैक्टर नहीं था क्या? उस टाइम जाति फैक्टर नहीं था क्या? कोई जाति फैक्टर नहीं है, लोग उस समय 2008 में बुढ़ानिया नहीं थे ना साथ में? नहीं तो बुढ़ानिया नहीं थे, जयनारायण जी थे उसमें, जयनारायण पुनिया। हाँ जयनारायण पुनिया थे, जाट तो था, जाट फैक्टर नहीं है, विकास को वोट। उस टाइम एनएलओ का समर्थन था। तारानगर में बुढ़ानिया जी ने ट्रोमा सेंटर बनाया है, नेचर पार्क बनाया है, कृषि महाविद्यालय बनाया है, लड़कियों की कॉलेज बनाई है, लड़कियों की कॉलेज बनाई है। राठौर जी ने भी तो 2008 में बहुत काम किया होगा। देखा नहीं उसको भाई, 2008 में राजेंद्र राठौर तारानगर से विधायक थे बीच में, तो उन्होंने भी एक काम किया होगा। हमारे तो कुछ नहीं किया साहब, कोई काम, एक भी काम नहीं। आप लोग सब लगता है बुढ़ानिया के समर्थक हो। अब हम लोग जा रहे हैं, चलो आगे कहीं और चलते हैं। गांव के दूसरे हिस्से में आया है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, देखते हैं कोई दरवाजा खुला मिल जाए, कहीं लोग मिल जाए तो फिर बात करेंगे। चलो आगे चलो, चलते चलिए आगे, चलते चलिए फिर हम मेन रोड पर निकलेंगे, चलते चलिए चलते चलिए, थोड़ा तेज चलिए। हाँ तो ये देखिए, ये तो कह रहे हैं कि तारानगर में टक्कर इस बार बहुत कड़ी टक्कर है, हॉट सीट, दो दिग्गजों की लड़ाई है। अब उसमें कौन दिग्गज निकलेगा, सारी कहानी इसी पर है कि चुनाव आखिरी जो 5-7-10 दिन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर चलो, मेन रोड का रास्ता पूछना पड़ेगा किसी से। ये तीन लोग हैं, इन्हीं तीन से बात कर लेते हैं, या दो तीन लोग मिल जाएंगे और फिर हम लोग मेन रोड पर निकलेंगे। आ जाओ ज़रा, ये बड़ा सा देखिए चबूतरा बना हुआ है, ये बुचाबासी है ना, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं। तो ऐसे ये क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? हाँ तो ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश, तो प्रकाश जी इधर इस बार क्या चाह रहे हो चुनाव में? चुनाव में तो इधर आ जाओ ना, उधर धूल मिट्टी बहुत, इधर आ जाओ जरा। गाड़ी जा रही है, गाड़ी को जाने देना, गाड़ी को जाने दो, जाने दो गाड़ी को, जाने दो, आगे निकाल लो, अब यहीं रोक देगा तो आवाज़ डिस्टर्ब करेगी गाड़ी की, आगे चले जाओ। हाँ प्रकाश जी, चुनाव में क्या चाह रहे हो इस बार यहाँ? मैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट चाहूँ। क्यों चाहूँगा कांग्रेस क्यों? हमारे तो कांग्रेस गवर्नमेंट में बुढ़ानी जी काम कर रहे हैं बारे। अच्छा क्यों, ये तो बताओ ना थोड़ा समझने के लिए। सच बढ़िया काम बुढ़ानी जी करवाए हमारे तो तहसील में ही। अच्छा। कदी छोड़ो ही कोनी, आगे होने की संभावना ही कोनी। अच्छा तो टक्कर है कड़ी? टक्कर कहेंगे है, टक्कर नहीं है, राजेंद्र राठौर से कड़ी टक्कर है ना? ना ना ना, राजेंद्र राठौर का टक्कर बनता है। अच्छा अट बुढ़ानी जी है, बुढ़ानिया जी है। तो ये जो है ये सब इलाका, ये जाट है यहाँ सब? जाट ही हैं, गुजरी हैं, खाती हैं। अच्छा अभी जहाँ हम, ये सब जाट, आसपास के जाट के घर हैं। हाँ चलो ठीक है, वो लड़के चले गए दो तीन थे सो। एक मिनट आना बेटा, आप वोटर हो? वोटर नहीं हो? और लोग किधर मिलेंगे गांव में, और लोग से कैसे बात होगी आगे? कहाँ पे, कहाँ पे आ जाएंगे? आगे थोड़े चलते हैं, देखते हैं जहाँ भी लोग मिलेंगे ऐसे ही गांव में। अरे आप किसकी सरकार चाहते हो इस बार? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस?
इधर आ जाओ इधर आ जाओ वोटर को नहीं तो कौन बोलना है पर चलो अब आगे दो चार लोग हैं टक्कर तो है भाई कड़ी टक्कर है लेकिन वही बात है कि इतने साल बाद इतनी सरकारों के आने के बाद बुनियादी समस्या पानी और सिंचाई और पीने के पानी की बात लोग करते रहते हैं तो इस बार सरकार किसकी बनवाना चाहते हो हम लोग पत्रकार हैं दिल्ली से आए हैं दिल्ली से आए हो हाँ समझते हैं समझने के लिए कि लोग किसकी सरकार चाहते हैं बीजेपी की बीजेपी की क्यों कहीं आधे साल सरकार बदला है पाँच साल से हर पाँच साल बदलना चाहते हो तो बीजेपी पाँच साल हो गया गालो तो इसलिए इस बार बदलना चाहते हो पाँच साल हो गया तो बीजेपी से यहाँ कौन है राठौर राजेंद्र राजेंद्र तो टक्कर है या क्या है सीधे राठौर जीत जाएंगे राठौर जीतना मुश्किल है जितना मुश्किल है राठौर मुश्किल है और ये देखो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं करें वोट बीजेपी को देंगे राठौर का जितना मुश्किल क्यों ऐसा मुश्किल है ताऊ बोल रहे आप बोल रहे हो राठौर जीत भी जाएगा मतलब आप राठौर को वोट भी दोगे जितना मुश्किल क्यों है मानसा में देखा बुडानी जीतेगा हैं बुडानिया साहब लेकिन आप वोट बीजेपी को दोगे आप बीजेपी को वोट दोगे फिर ये क्यों करें बुडानिया जीतेगा कांग्रेस जीतेगी तो मन दिख है आपको दिख है दिख है ताऊ बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे लेकिन इनको दिख है कि कांग्रेस जीत रही है मतलब यहाँ से बुडानिया मेरे एरिया में कांग्रेस जीता है आपके एरिया में कांग्रेस जीतेगी मतलब ये बुचावास में बुचावास आप जाट हो जाट तो जाट में भी मतलब बीजेपी के हैं काफी वोटर बीजेपी हैं काफी को नहीं मेरे को छिछी तो ही है मेरे ऊपर का छिदे छिदे ही है बीजेपी में क्या बोल रहे हैं क्या मेरे ऊपर का छिछीदा ही है मतलब कोई कोई वोट आएगा मेरे ऊपर का अच्छा कोई कोई वोट है जाट में कोई कोई वोट बीजेपी कोई कोई है तो आपके साथ और कितने लोग हैं आपके सब कांग्रेसी हैं सब कांग्रेसी हैं सब कांग्रेसी देख लो ताऊ बोल रहे हैं कि जाट में कोई कोई वोट है बीजेपी सब कांग्रेसी आप बीजेपी में क्यों फिर सब कांग्रेसी हैं मैं सदा देता हूं बीजेपी अच्छा सदा बीजेपी को देते हैं लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल है मुश्किल है तो बुडानिया क्यों जीत जाएगा बुडानिया तो काम कराए बताए बुडानिया काम कराए हुए काम करा है तंत्र सिंह काम बहुत करे है बहुत काम किया है सुना मैं तो मेरे मैं जानूंगा नहीं सुनो काम कराए हुए है हाँ बहुत इंटरेस्टिंग देखो ईमानदार प्रतिक्रिया इनकी है ईमानदार ऑब्जर्वेशन है कि बीजेपी के वोटर हैं लेकिन कह रहे हैं मौको दिख रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस जीत रही है देखो ताऊ कह रहे हैं मैं इनके कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ खुद ही बोल रहे हैं सब हैं चलो अब दो चार लोग और आ गए आप इसी गाँव के यहीं के सब लोग तो इस बार जो है इधर किसका लग रहा है सिक्का चलने वाला है सिक्का तो गुडानिया चल रहा है साहब गुडानिया का मतलब कांग्रेस का कांग्रेस का आप बताओ मार तो वो है दंतियाड़ो अच्छा सीपीआईएम कॉमरेड ना कॉमरेड है नहीं वो दंतियाड़ो कॉमरेड ही हुआ ना कौन सी कॉमरेड निर्मल है आप किसकी सरकार चाहते हो आपने तो कांग्रेस ही चाहते हैं आप किसकी सरकार चाहते हो हमें तो ये ईडब्ल्यूएस का जो मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया है ना इससे विरोध है बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं रहनी चाहिए कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए केंद्र में भी और यहाँ राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्यों इससे मतलब तीन कास्ट को फायदा मिलता है ब्राह्मण और बाणिया राजपूत को ईडब्ल्यूएस से बाकी मतलब 33 कौम है इनको मतलब भारी नुकसान हुआ है तो इसलिए आपके लिए चुनाव का मुद्दा ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस है मेरे लिए तो मुद्दा अच्छा और कोई मुद्दा राजस्थान का या बुचावास का या तारानगर का लोकल कोई मुद्दा नहीं है लोकल कोई मुद्दा नहीं है मेरा तो केंद्र से ही ये मुद्दा है कि मोदी जी की सरकार है वो गलत है किसानों के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए वो सरकार है घाटे की सरकार है अच्छा चलो ठीक है आपकी बात समझ गया अब जरा इधर एक और आदमी आगे जा रहे हैं आप किस इन भूजो हनुमान तो बेरो को ना बेजानिया आदमी आप किस की चाहो सरकार बुडानिया की क्यों कांग्रेस की क्यों कांग्रेस की कांग्रेस में यार मैं सदा ही वोट देता यार कांग्रेस में सदा ही देता और ताऊ तो सदा ही बीजेपी की वोट देते बीजेपी को तो है बीजेपी के तो आप किसकी चाहते हो मैं तो कांग्रेस चाहवा कांग्रेस चाहवा का है क्यों क्यों काम बढ़िया करा है अच्छा ये लड़ाई दंगा को नहीं होने दे
एक भ्रष्टाचार को फैलन दियो, एक गरीबों के लिए फायदो करी है। ये बताओ अब यहाँ आप सब लोग किसान है ना, सब लोग हैं, तो ये जो एक बात कही जाती है कि किसानों का कर्जा माफ इस सरकार में नहीं हुआ, जिस तरह से वादे राहुल गांधी ने किए थे 2018 में कि सबके कर्जे माफ 10 दिन में होंगे, तो कर्जे माफ हुए किसानों के? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे कांग्रेस ने माफ किए, सिर्फ कोऑपरेटिव के हुए ना, बाकी पीएनबी और दूसरे बैंक से जो लिए वो तो नहीं हुए, उससे उनका भी क्लेम मिला है, किसानों को क्लेम मिला है, नहीं बाकी कर्जा माफ नहीं हुआ, कोऑपरेटिव के अलावा नहीं हुआ। किसान के तो केसीसी है, उसमें क्लेम आया है, उसका किया है वो क्लेम आया है, बीजेपी के राज में बीजेपी के राज में कभी एक रुपया भी नहीं आया, भ्रष्टाचार है। यहाँ मतलब सरकार कांग्रेस की चाहते है, बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसने कर्मचारियों की पेंशन काट दी थी, हैं? कांग्रेस सरकार ने वो पेंशन बहाल की है, इस बात पर मतलब कर्मचारी लोग हैं वो भी यही प्रचार कर रहे हैं कि वोट कांग्रेस को करो। ओपीएस की बात कर रहे हो, ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो आप लोग जैसे ये दिल्ली में हम लोग जानते हैं कि 19,000 किसानों की कुर्की हो गई क्योंकि कर्जा नहीं चुकाया, यहाँ भी ऐसा किसान है जिनकी कुर्की हो गई कर्जा नहीं, यहाँ नहीं हुआ है किसी का, राजस्थान में किसी की नहीं हुई है कुर्की, कुर्की तो हुई है, सरकार ने सदन में बोला जो नेशनलाइज बैंक है उनकी तरफ से जो कर्जा था वो माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ है किसी का कुर्क। तो किसानों के लिए जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है, कर रही है साहब, कहाँ सिंचाई का इंतजाम नहीं है यहाँ, मतलब मुख्यमंत्री राजस्थान में गहलोत जैसा नहीं है, वसुंधरा ने राज किया है लेकिन ऐसा राज नहीं किया है कांग्रेस ने किया है, ऐसा कांग्रेस का राज मतलब बढ़िया है, गहलोत जी का शासन है वो बहुत अच्छा शासन है, बढ़िया शासन है जनता के लिए, जनता के हित के लिए मतलब बढ़िया है। कैसे बोल रहे हो, क्या ऐसा किया गहलोत ने? गहलोत ने बहुत कुछ किया है साहब किसानों के लिए, क्या किसानों का कर्जा माफ किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसान कर्जा लेते हैं बीज के लिए वो माफ किया है, कोऑपरेटिव का ही किया ना, बाकी नहीं हो पाया, बाकी तो किसान पैसे लेते ही नहीं है, कोऑपरेटिव केसीसी से पैसे लेते हैं, उनका क्लेम आया है किसानों के, अरे बीजेपी कहती है 19,000 बिजली का बिल माफ किया है इसने, बीजेपी कहती है कि किसानों का जो ट्यूबवेल वगैरह पर जो मीटर लग रहा है उसका बिल है उसने वो माफ किया है। अच्छा, हाँ कांग्रेस सरकार, हाँ आप किसकी सरकार चाहते हो इस बार? मैं तो कांग्रेस की जमा, कांग्रेस विकास के लिए साथ में। अच्छा, हाँ तो ये बताओ ये पूरा जो आसपास ये सब जाटों का है? नहीं, ये तो सारी कौम है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, कौन ये नहीं वो पीछे दुकान ब्राह्मण, अच्छा, दुकान ब्राह्मण की, घर भी ब्राह्मण आंग है, इन लगे दर्जी है, बे गुजर है, गुजर है, अन्य जाति सब है इसमें। एक मिनट चलो इनसे भी पूछ लेते हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हो? मैं कांग्रेस है, क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे, मेरी पेंशन कांग्रेस बनी। अच्छा, वो माँ फड़मो करे जो वो ही करे, अरे अब एक गांव मरी खेत माखी।